नमस्कार, मैं नाजिमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आ रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज प्रदेश भर में बड़े आयकर विभाग के छापों को लेकर कहा, बीजेपी की विशेषता है कि बीजेपी कभी राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम नहीं करते और यह विभाग भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ काम करता है। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय गतिविधियां बंद नहीं होती। कौन क्या कह रहा है यह हमारा विषय नहीं है। बीजेपी ने जो जनता के विकास के लिए काम किए हैं, हम उनको लेकर अपने दो सहयोगियों के साथ चुनाव में हैं। कल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के लड़कियों के ऊपर दिए गए बयान को लेकर कहा, उनके बयानों की कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे लोग जो समाज के चिंतन की बजाय संकीर्णता के विचार रखते हुए, ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता। दूसरे राजनीतिक दल केवल 10 से 15 साल सपना देखते रहे। पिछली केंद्र की यूपीए की सरकार में 3 इंजन सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार थी जो उनको समर्थन दे रहे थे। आज जो बीजेपी काम कर रही है उस पर कह रही है कि हमने सपना देखा था, तब यह लोग कहां थे। यहाँ जितने भी इधर के उधर के दल हैं, सबके चुनाव चिन्ह अलग जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद एक है। लेकिन भाजपा का एक ही उद्देश्य है, लोगों का विकास। सपा प्रसपा के गठबंधन पर कहा, प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन से बड़ा कोई गठबंधन दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन वो कितनी बुरी तरह हारे, सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तब भी हारे। अब तो यह सब सिमटे हुए हैं। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में 29वां हिंदी सेवा सम्मान के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले सिंचाई विभाग डाक बंगले में पहुंचे थे। कभी भी बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता है। चुनाव से पहले बोला जा रहा है छापेमारी। अब देखिए क्या चुनाव के समय गतिविधियां थोड़ी बंद होती है। पहली बात तो मुझे भी आपने बताया है तो इसकी मुझे जानकारी। लेकिन जो विभाग जो भारत सरकार के अधीन है, उनके काम करने की अलग प्रावधि होती है और वो स्वतंत्र रूप में निष्पक्ष काम करते हैं। अखिलेश यादव करेंगे, अब ईडी और सीबीआई के भी अब छापे पड़ेंगे हमारे करीबियों पर। देखिए कौन सी क्या संभावना कौन व्यक्त करता है ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार किसी के प्रति ना तो प्रोजुडिस होकर काम करती है ना भविष्य में करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चाचा भतीजे गठबंधन के बाद ये गतिविधियां और ज्यादा तेज। मैंने पहले कहा ना कि हम गतिविधियां किसी की हों वो हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता और खासतौर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और जो विकास के कारण जो जनता को लाभ हमने पहुंचाया, इन मुद्दों पर हम चुनाव में हैं। हम इस प्रकार के गठजोड़ नहीं करते। हमारे दो सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और जनता में हम यही चीज हमारा उद्देश्य है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, हमारा मुद्दा केवल और केवल विकासवाद है। और विकासवाद के आधार पर हम चुनाव मैदान में पहले भी थे और आज भी हम विकासवाद के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई है और सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इससे तो आवारगी बढ़ेगी लड़कियों की। उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता है क्या? उनके बयान हमेशा लीक से हटकर होते हैं और ऐसे लोग जो समाज का हित चिंतन करने के बजाय संकीर्ण दायरों में गुजरते हैं, उनका समाज में कोई स्थान थोड़ी होता है। समाज के हित में जो हो वो करना चाहिए और बीजेपी ने यही काम किया है। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए हमें समान न्याय का अधिकार चाहिए, तो हमने तलाक 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 का प्रकरण को कानूनी बंदिश ला के उसको रोका। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे तो हमने उसको रोका। हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं होंगी उनको हम दूर करेंगे, हमने किया। हमने कहा था बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के उसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे, किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो लोग दूसरे हैं वो सपना देखते हैं और सपना देखने के बाद कहते हैं कि वो तो मैंने सोचा था। कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं वो केवल सपने 15 साल 20 साल देखते रहे। केंद्र में भी डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी, सपा और बसपा कांग्रेस की यूपीए सरकार को मदद दे रहे थे, समर्थन दे रहे, दूसरी समर्थन में चल रही थी। यानी कांग्रेस सपा बसपा तीनों मिलकर गतिविधियों की समीक्षा की है और अभी हिंदी सम्मेलन जो काफी समय से हर साल होता है उसमें जाने का अवसर मुझे मिलेगा। हमारे भारतवर्ष की संरचना, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति और समाज की एक रूपता के अनुसार रही है। हिंदी सम्मेलन का महत्व तो यही है कि हमारी जो राजभाषा है उसको उचित सम्मान और स्थान मिले
और इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सतत प्रयत्नशील हैं। पूरे देश का जहां मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज चाहे वो अविस्थापना संबंधी सुविधाएं हो, चाहे पांच पांच हाईवे बनने का हो, एक्सप्रेसवे बनने का हो, चाहे आज डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का हो, आज 12-12 विश्वविद्यालयों की स्थापना, 250 विद्यालयों की माध्यमिक की और 78 डिग्री कॉलेजेस का निर्माण का प्रक्रिया हो, या आज जो हमारे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का विश्व पटल व जिसकी छाप पड़ेगी एक धार्मिक पर्यटन की दृश्य से, पूरा कॉरिडोर की एक नए काशी का पुरानी व्यवस्थाओं को जीवित रखते हुए जो एक सौंदर्यीकरण विकास हुआ है, अयोध्या एक नए स्वरूप को जा रही है, हमारा प्रयागराज आज बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, 24 करोड़ के लोग एक साथ समागम में आए कुंभ के अवसर पर, और एक शांतपूर्वक व्यवस्था में सारे धर्मों के जो 30 त्योहार हैं वो संपन्न हुए, और पूरे 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में भाईचारे के तौर पर रहते रहे, और 3,00,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है आज धरातल पर उस पर काम हो रहा है। 4,68,000 करोड़ का MOU साइन हुए थे, जिसमें 3,00,000 करोड़ का जो यहाँ पर आज विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विकास संबंधित गतिविधियां हैं वो यहाँ पर हैं। आज 100 अगर मोबाइल पूरे भारतवर्ष में बन रहे हैं तो 70 मोबाइल अकेले केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। एक IT हब के रूप में डेवलप हुआ है नोएडा सिटी। तो आज विकास की जो अवधारणाएं थी, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे आज ये कानपुर का क्षेत्र रहा हो, आज हाईवे बनेगा तो सारा